गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जनवरी से जो भी प्रोटेस्ट हुआ है बिहार एसएससी के आसपास या बिहार एसएससी के संदर्भ में जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें एक डिमांड हम लोग का सबसे पहले प्रमुखता से था कि 2016 वाले जो इलीगल कैंडिडेट्स हैं, जो जिनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट डिसीजन जो दिया हुआ था कि उन्हीं लड़कों को भरना है जो एज रिलैक्सेशन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वे भी सारे लोग भर दिए जो 2014 में अप्लीकेबल थे और किसी कारणवश 2014 में फॉर्म नहीं भरे थे। एक तो ये हो गया फॉर्म भरने वाला, और दूसरा फॉर्म भरने वाला ये हो गया कि जो 2015 में इंटर किया और 2016 में इंटर किया, जिसका एज मतलब 18 के अप्रॉक्स हो गया था उस टाइम में, वो भी फॉर्म भर दिया। तो खैर, इन लोगों के लिए जो 2015-16 में जो इंटर किया वो भरा, वो लोग तो आउट हो रहे हैं अभी फॉर्म भरने, तो ये फॉर्म भरने से जो है बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो 2016 में आयोग गलती कर बैठा है, आयोग ये अभी एक छोटा सा सुधार किया है इस ये अभी जो फॉर्म भरा रहा है, लेकिन अब इसमें आयोग को चाहिए कि एक कैटेगराइज करके 2016 वाले का लिस्ट अलग करे, जो फॉर्म भरा है उसमें से जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको रखे अपने पास, मतलब उसको बाकी सबको जो है बाहर करे, बाहर निकाले। इससे आयोग को ही फायदा होगा, काउंसलिंग में भी कम लड़कों को बुलाना पड़ेगा, उस टाइप के लड़कों को नहीं बुलाना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आयोग को जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और जितना भी आंदोलन हुआ है उसी के आधार पे हुआ है ज़्यादातर, और इसमें खास करके हम आंदोलन में मतलब सचिव सर से जब भी मिले हुए हैं तो इस सारा बात जो है उनको नोटिस बजाबते कई एक बार फोटोकॉपी ले जा करके दिए हुए हैं, और कई एक बार जो है वो नोटिस को लाइन बाय लाइन पढ़वा चुके हैं, एक बार नहीं कई एक बार, और वो इस चीज़ को पढ़े भी हैं। आयोग का गलती है कि जो है इतना आयोग का ये गलती है कि फिर से उन लोगों को अभी जो है वैसे लोगों को फॉर्म भरवाया जा रहा है जो 2016 में फॉर्म भरे थे और 2014 में भी अप्लीकेबल थे फॉर्म भरने के लायक, लेकिन वो 2014 में किसी कारणवश नहीं भरे होंगे, 16 में भरे, तो वैसे तो बाद में उसको एट लास्ट जो है उसको वहाँ से आउट होना ही है, लेकिन अगर अभी कर देते तो कुछ जेन्यून लड़का है उसको जो है आशा हो जाता, मतलब एक उम्मीद जग जाता अच्छा से, नहीं तो अभी तो सब अंधकार में ही जी रहा है कि हो ना हो कि वे उन लोगों को ही फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाए, फिर क्या होगा, लास्ट में दिक्कत हो जाएगा सब जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसके साथ। तो इस पे जो है बहुत सारा प्रोटेस्ट हो चुका है, आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस पे, और देखिए आगे क्या होता है। अभी आयोग जो है बोल रहा है कि नोटिस, आज जैसे नोटिस आया है कि 4 तारीख तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद कोई फॉर्म भरने के लिए डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। देखते हैं नवंबर तक पूरा हो पाता है या नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है। कमेंट कीजिएगा कैसे हैं आप लोग। आज जितिया का त्यौहार है, आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएँ, सभी को प्रणाम, धन्यवाद।